ग्रामीण पत्रकार संघ दिग्रस शाखा की ओर से राज्य के शिक्षा मंत्री राजेश टोपे के नाम मंगलवार को ज्ञापन सौंपा गया। तहसीलदार सुधाकर राठौर के माध्यम से राज्य शिक्षा मंत्री को सौंपे गए इस ज्ञापन में राज्य सरकार द्वारा 10 जनवरी 2022 को राज्य की स्कूलें और कॉलेजों को कोरोना और ओमिक्रॉन आदि के कथित संक्रमण का खतरा बताते हुए बंद करने के फैसले का विरोध किया गया। राज्य में होटल, बार, रेस्टोरेंट, शराब की दुकानें, सिनेमा हॉल, बाजार और भीड़भाड़ वाले अन्य सभी प्रतिष्ठान खुले हैं। ऐसे में केवल स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का कोई तुक नहीं बनता। इस आशय का तर्क देते हुए सरकार स्कूल और कॉलेजों को बंद करने के निर्णय का पुनर्विचार करे और विद्यार्थियों की शिक्षा सहित उनके भविष्य के संभावित नुकसान से उन्हें निजात दिलाए, ऐसी मांग इस ज्ञापन में की गई है। महाराष्ट्र राज्य के सम्मान में मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहब यांनी दोन दिवसांपूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्रात शाळा, महाविद्यालय, कोचिंग क्लासेस बंद करण्याचा त्या ठिकाणी निर्णय घेतला। हा निर्णय अतिशय गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना हा अन्यायकारक आहे आणि शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा हा डाव या ठिकाणी निश्चितच मानला जातो। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पत्रकार संघटनेच्या वतीनं दिग्रसचे तहसीलदार सुधाकरजी राठोड यांच्या मार्फत शिक्षण मंत्री, आरोग्यमंत्री राजेशजी टोपे साहेब यांना निवेदन देण्यात येत आहे की जो काही निर्णय शाळा बंद करण्याच्या बाबतीत झाला तो आदेश, तो निर्णय मागे घेण्यात यावा आणि पूर्वता शाळा या ठिकाणी चालू करण्यात यावी, अशा प्रकारचं निवेदन आम्ही या ठिकाणी सगळ्या दिग्रस तालुक्यातील पत्रकार बांधवांच्या वतीने या ठिकाणी देण्यात आलं। इस मौके पर न सिर्फ दिग्रस ग्रामीण पत्रकार संघ के पदाधिकारी बल्कि दिग्रस तहसील पत्रकार संघ और प्रेस क्लब दिग्रस के पदाधिकारियों सहित सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।